ईडी की कस्टडी में नवाब मलिक, 3 मार्च तक रहेंगे ईडी की कस्टडी में। पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के समय ईडी का नवाब मलिक पर आरोप, कहा नवाब मलिक के प्रॉपर्टी में दिए गए पैसे डी कंपनी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल करती थी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, ममता और शरद पवार के बीच बातचीत, नवाब मलिक के दाऊद से संबंधों पर बीजेपी हमलावर, नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी का आज पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन। आज भी यूपी में प्रचंड प्रचार, पीएम मोदी की अमेठी और प्रयागराज में रैली, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी करेंगे प्रचार। पंजाब के मोगा में लड़की का सरेआम अपहरण, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, यूक्रेन सीमा पर तकरीबन 2 लाख रूसी सैनिक तैनात, यूरोप के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ सकता है रूस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बोली, यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले का खतरा बना हुआ है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, कहा ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य पाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध, अगले 2 दशकों में न्यू एनर्जी के दम पर भारत बनेगा ग्लोबल पावर।